दोस्तों इस समय पर बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स का दौरा आ चुका है। बहुत सारे लोग अलग अलग बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि स्लाइस कार्ड, यूनिपे 1/3 कार्ड या फिर लेजी पे कार्ड। ऐसा ही एक बाय नाउ पे लेटर कार्ड है जिसका नाम है क्रेडिट बी कार्ड, जिसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई भी करना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों के पास ये कार्ड पहले से भी है। लेकिन क्या आपको सच में क्रेडिट बी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए? अगर हाँ तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, पूरी विस्तार से आज इस वीडियो में मैं आप सभी को क्रेडिट बी कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं दोस्तों, क्रेडिट बी बस एक नाम है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसने अपने आप को रजिस्टर किया है फिनोवेशन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है और ये आपको क्रेडिट बी कार्ड भी प्रोवाइड करता है, जो बेसिकली एक क्रेडिट कार्ड नहीं है बल्कि एक क्रेडिट लाइन वाला कार्ड है। इसके बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं, जैसे कि क्रेजी बी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, पेयू फाइनेंस, फुलेटन इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्दर्न अर्क कैपिटल, तो काफ़ी सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं। लेकिन क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ज़्यादातर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये भी फिनोवेशन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आती है। सो इस कंपनी की सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कंपनी के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट के जरिए भी आप सभी को दिखाया है। देखिए, अगर मैं आप सभी को इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में बताऊं तो क्रेडिट बी आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है और ज़्यादातर आपको क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मेरे केस में मैंने 2 साल पहले यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन लिया था, जहाँ पे आपको इनकम प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अभी बोला जा रहा है कि आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर दोगे तो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा। आपको पहले ही बहुत बड़े अमाउंट का लोन नहीं मिलेगा, आपको छोटे छोटे अमाउंट का लोन मिलता रहेगा। जब आप रीपेमेंट करते रहोगे तो आपको बड़े अमाउंट का लोन मिलेगा। जैसे मेरे केस में मुझे सबसे पहले यहां से 2,000 रुपये का लोन मिला था, उसके बाद जब मैंने रीपेमेंट किया तो मुझे 5,000 रुपये का लोन मिला, उसके बाद 10,000 रुपये का लोन मिला, 15,000 रुपये का लोन मिला और इस समय पर मुझे क्रेडिट बी से लगभग 65,000 का इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल रहा है। अब हमारा विषय आज इंस्टेंट पर्सनल लोन नहीं है, हमारा विषय है क्रेडिट बी कार्ड, तो हम क्रेडिट बी कार्ड के बारे में बात करेंगे। सो क्रेडिट बी कार्ड जो है ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये स्लाइस कार्ड, यूनिपे कार्ड या लेजी पे कार्ड की तरह एक बाय नाउ पे लेटर कार्ड है। क्या ये हर किसी के लिए अवेलेबल है? नहीं, ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए है। अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे और वहां पे अगर आपको डैशबोर्ड पे क्रेडिट बी कार्ड शो कर रहा है, मतलब आप एलिजिबल हो और वहां पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम यहां पे आपको 10,000 रुपये की लिमिट ही मिलेगी। आप एक साथ क्रेडिट बी से इंस्टेंट पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट बी कार्ड दोनों एट ए टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या तो आपको कार्ड लेना है या फिर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है। अगर आपके नाम पर पहले से लोन है क्रेडिट बी पे तो आप ये कार्ड नहीं ले सकते हो, तो आपको पहले वो क्लोज करना पड़ेगा। आपको इस कार्ड के लिए सबसे पहले एक एक्टिवेशन फी देनी पड़ती है जो अप टू 149 रुपीज है। जैसे मेरे केस में मुझे जो एक्टिवेशन फी देनी पड़ रही है वो है 25 रुपीज। हो सकता है आपके केस में ये फी 50 रुपए है, किसी के केस में ये 149 भी हो सकता है, तो अप टू 149 रुपीज आपको एक्टिवेशन फी देनी पड़ती है। साथ ही साथ एनुअल चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा इस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए, जो 149 रुपीज है। आपको इस कार्ड के साथ जो भी लिमिट मिली है आप उस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 5-7% विड्रॉल चार्ज पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए यहां से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको 500 या फिर 700 रुपए पे करना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ आपको कैश विड्रॉ करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, यानी कि जिस डेट पर आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं उस डेट से लेकर जब तक आपका स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है तब तक आपको 20% से लेकर 29.95% पर एनम इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा कैश विड्रॉ करने के लिए। अब इस कार्ड का प्रमोशनल पीरियड खत्म होने के बाद आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर भी फी देनी पड़ती है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे आपको उस अमाउंट का 1% जो है ना वो पे करना पड़ेगा एज फी, कन्वीनियंट फी। उसके बाद अगर मैं आप सभी को इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊं तो अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है उस डेट से लेकर जब तक आपका स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है तब तक आपको 20% से 29.95% पर एनम इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। अब हम लेट फी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं कर रहे हो तो उसके तुरंत बाद ही अगले ही दिन आपको 100 रुपीज या फिर 3% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये आपको पे करना पड़ेगा एज लेट पेमेंट फी। उसके बाद आपको 0.15% पर डे की लेट फी भी देनी पड़ती है जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा जो 20% से 29.95%
पर डे इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर आप गलती से भी ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप सोच लो, एक तरफ आपका क्रेडिट स्कोर घटेगा, दूसरी तरफ लेट फी और इंटरेस्ट रेट पे करते करते आप थक जाओगे, आपका बैंक बैलेंस वैसे भी जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट बी कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा क्रेडिट बी एप्लीकेशन, जिसकी रेटिंग है 4.4, तो काफी अच्छी रेटिंग है मेरे हिसाब से। इनका जो इंस्टेंट पर्सनल लोन वाला फीचर है वो काफी अच्छा है, तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे मेरे केस में पहले से मेरा KYC कंप्लीटेड है, तो मेरे आगे आप डैशबोर्ड साइट पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो लोन मिल रहा है वो 65,000 का लोन मिल रहा है, और अगर आप सैलरी वाले हो तो आपको 3,00,000 तक लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी मिलता है, लगभग मेरे केस में ये 1,30,000 रुपये है, यानी कि अगर मैं अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेज कर रहा हूँ तो मैं लोन पे परचेज कर सकता हूँ और मुझे 1,30,000 रुपये का लोन मिल सकता है। आपको ई वाउचर के फॉर्म में ये लोन मिलेगा। उसके नीचे आप चेक करना, अगर आप एलिजिबल हो तो वहाँ पे आपको क्रेडिट बी कार्ड वाला फीचर मिल जाएगा, तो वहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिर्फ 3 ही स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, उसके बाद आपको एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उसे आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट वहां पे ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐड कर देना। उसके बाद आपको एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा, तो बेसिकली OTP और फेस ID के जरिए आपको एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है। तो एक सैंक्शन लेटर आपके पास आ जाता है, जो बेसिकली क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आएगा, हो सकता है आपको किसी दूसरे लेंडिंग पार्टनर की तरफ से आएगा, मेरे केस में क्रेजी बी की तरफ से मुझे आया है। आप वहां पे चेक करना, पूरी तरीके से लिखा गया होगा कि आपकी ड्यू डेट क्या है, बिलिंग डेट क्या है। मेरे केस में मेरी जो ड्यू डेट है वो 24 तारीख है और बिलिंग डेट है 14th, तो आपको वहां पे साइन करना पड़ेगा। साइन करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को वहां पे आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको फाइनली जो है ना अपनी सेल्फी लेनी पड़ती है, फेस आईडी के जरिए आपको वहां पे साइन करना पड़ता है। उसके तुरंत बाद ही आपको क्रेडिट बी का वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको विड्रॉ करना है कैश अपने बैंक अकाउंट में, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑफर्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि बुक माई शो, फर्म इजी, मेडीबडी, स्पॉटिफाई, या फिर रैपिडो, या इज माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है सिर्फ 3 ही ऑफर्स मुझे पसंद आए। एक है बुक माई शो। बुक माई शो में क्रेडिट बी कार्ड की मदद से आप हर महीने 50% का ऑफ ले सकते हो, अप टू 200 रुपीज। नेक्स्ट है इज माई ट्रिप। इज माई ट्रिप के जरिए अगर आप फ्लाइट टिकट बुकिंग करते हो, तो अगर आप वन वे ट्रिप करते हो, मिनिमम 3,000 रुपीज़ की बुकिंग करोगे, तो आपको फ्लैट 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप राउंड ट्रिप करोगे, मिनिमम 3,500 रुपीज़ की बुकिंग अगर आप करोगे, तो वहाँ पे आपको 800 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं पर रैपिडो में आपको फ्लैट 25 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब मैंने आप सभी को क्रेडिट बी कार्ड की सारी डिटेल्स दे दी हैं, लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको क्रेडिट बी कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है, आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहां पर दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो, या फिर अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इस कार्ड की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यहां पे आप पैसे देते देते, इंटरेस्ट रेट देते देते थक जाओगे। सबसे पहले आपको एक्टिवेशन फी देनी पड़ती है अप टू 149 रुपीज़, फिर एनुअल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा 149 रुपीज़। उसके बाद अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करोगे, तो लेट फी प्लस इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिल पाता है, हर कोई क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप किसी दूसरे बाय नाउ पे लेटर कार्ड की तरफ देख सकते हो, जैसे कि स्लाइस कार्ड, या फिर यूनिपे 1/3 कार्ड, या फिर लेजी पे कार्ड। लेकिन मैं आप सभी को कभी भी मल्टीपल बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर पहले से आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, देन होता क्या है कि अगर आप BNPL कार्ड्स को इस्तेमाल करोगे, तो आपके नाम पर मल्टीपल पर्सनल लोन शो होते हैं और वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट इंडस्ट्री में नए हो, यानी कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करना चाहते हो, या फिर अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, तो आप मल्टीपल कार्ड्स ले सकते हो, BNPL कार्ड्स, जैसे कि लेजी पे कार्ड, यूनिपे 1/3 कार्ड, या फिर आप ले सकते हो स्लाइस कार्ड। वहां से आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। क्रेडिट बी कार्ड को भी आप ले सकते हो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करने के लिए, अच्छा क्रेडिट स्कोर लाने के लिए। लेकिन मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप क्रेडिट बी कार्ड को लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना, जैसे कि 5
5 महीने या फिर 6 महीने। आप स्टडी करते रहे ना कि इस कार्ड को इस्तेमाल करने से आपका क्रेडिट स्कोर कितना इंपैक्ट कर रहा है। चार्जेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर 5-6 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको लग रहा है कि ये कार्ड उतना अच्छा नहीं है, इस कार्ड को इस्तेमाल करने से हमको बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं, देन आप इस कार्ड को बंद भी करवा सकते हो। बंद करवाने के लिए आपको इनकी मेल आईडी पे मेल करना पड़ेगा जो है help@creditbee.in। वहाँ पे सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे creditbee कार्ड को मुझे क्लोज करवाना है, तो वो उनकी तरफ से आपके कार्ड को क्लोज करवा देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से creditbee कार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में ज़रूर पता चला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।